दीज आर द इम्पोर्टेंट रोड विद इन अ डिस्ट्रिक्ट सर्विंग एरियाज ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मतलब फैक्ट्री वगैरह जहाँ पर होंगी, और मार्केट एरिया जो होगा, एंड कनेक्टिंग विद अदर मेजर रोड्स, और जो रोड है उनको आपस में जोड़ती हैं, और द मेन हाईवे ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, और मेन हाईवे से ये रोड आपस में जुड़ती है। लेकिन जो MDR है उनकी स्पीड काफी कम होती है या कम होती है, किससे? NH से और SH से। अगर उनकी 80 किलोमीटर पर आर है तो इनकी 60 किलोमीटर पर आर होगी, ठीक है? तो MDR की स्पीड और ज्योमेट्रिक डिजाइन कम होंगे। क्या लिखा हुआ है? द MDR हैव लोअर स्पीड एंड ज्योमेट्रिक डिजाइन। ज्योमेट्रिक डिजाइन अभी सिर्फ वर्ड से याद रख लो, आगे समझाऊंगा मैं आज के दिन कि होता क्या है, कि उसकी विड्थ कितनी होगी, रोड की थिकनेस कितनी होगी, साइड की जगह कितनी होगी, वो सारी चीजें क्या होंगी, कम होंगी, किससे? नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे से। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या होगा? द अदर डिस्ट्रिक्ट रोड आर द रोड्स सर्विंग रूरल एरिया ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोवाइडिंग देम विद आउटलेट टू तहसील हेड क्वार्टर, ये बच्चे बहुत तंग करते हैं भाई, मार्केट सेंटर एक्सेट्रा। तो वो क्या कर रहा था, वो जो डिस्ट्रिक्ट के मेजर पॉइंट्स थे, जैसे प्रोडक्शन हेड है, वहाँ की मार्केट है, और जो मेन रोड है, उनको आपस में जोड़ रहे थे रोड, कौन से? मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। लेकिन अदर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या कर रहे हैं, रूरल एरिया की तरफ होते हैं जो। द डिस्ट्रिक्ट अदर डिस्ट्रिक्ट रोड आर द रोड सर्विंग रूरल एरिया ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोवाइडिंग देम आउटलेट टू तहसील हेड क्वार्टर्स, मतलब गाँव की तरफ से हेडक्वार्टर, तहसील हेडक्वार्टर हो गए, मेन प्रोडक्शन एरिया हो गया, वहां तक के जो रोड होंगे वो कौन से होंगे आपके, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। दिस रोड हैव समवट लोअर स्पेसिफिकेशन देन मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, ये मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड से भी कम इनकी स्पेसिफिकेशन होती है। उसके बाद है विलेज रोड, लास्ट जो इकाई है रोड्स की वो क्या है, विलेज रोड। विलेज रोड आर द रोड कनेक्टिंग विलेज और ग्रुप ऑफ विलेज टू ईच अदर, गाँव को आपस में जो रोड जोड़ते हैं उनको बोलते हैं विलेज रोड्स, विद ईच अदर टू द नियरेस्ट रोड ऑफ हायर कैटेगरी, मतलब गाँव वाले जो रोड होते हैं, विलेज रोड जो होते हैं, वो रोड क्या करेंगे, आपस में गाँव को तो जोड़ेंगे, और वो रोड और किससे जाके जुड़ेंगे, जो आगे MDR होगा, ODR होगा, NH होगा, SH होगा, तो उनसे जाके ये जुड़ेंगे। दीज रोड आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रूरल एरिया डेवलपमेंट, अगर रूरल एरिया की डेवलपमेंट देखेंगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज रोड आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, इनकी मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन कौन करता है, लोकल डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी। तो ये थे हमारे टाइप ऑफ रोड, कौन से NH, SH, MDR, ODR एंड VR, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। अब आपको काम क्या करना है, आपको एक काम देता हूँ, गूगल मैप सभी चलाते होंगे है ना, तो गूगल मैप को आप खोल के देखना, उसमें आपने आसपास का एरिया सर्च करना कि कौन सा यहाँ पर स्टेट रोड है, कौन सा यहाँ पर MDR है या ODR डिस्ट्रिक्ट रोड है, कौन सा यहाँ पर नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे, तो आपको इजिली उसमें पता लग जाएगा, ठीक है। और एक पहचान बताता हूँ, जो आपके नेशनल हाईवे होते हैं, नेशनल हाईवे पर आप क्या देखते हो, माइलस्टोन लगे होते हैं हर एक हाईवे पे या रोड पे, तो जो माइलस्टोन लगे होते हैं, जो पत्थर लगे होते हैं, उनके कलर से भी आप पहचान सकते हो कि ये कौन से रोड है। जो आपके नेशनल हाईवे होंगे उन पर क्या होता है, जो पत्थर होता है टॉप तो उसका येलो होता है, और जो बेस होता है उसका वो व्हाइट कलर का होता है। दिखा देता हूँ आपको, NH माइल स्टोन कलर, ये देखिए, ये यहाँ पर दिखा रखा आपको, एक ही पिक्चर देख लेते हैं बस, ये देखिए, इसमें भी कहीं आगे ओपन, ये देख सकते हैं, ये जो माइलस्टोन है इसका जो टॉप है वो येलो कलर का है, और जो बॉटम है वो कैसे कलर का है, व्हाइट कलर का है। तो इससे ये पता चलता है ये कौन सा हाईवे है, नेशनल हाईवे है, ठीक है, येलो स्ट्रिप ऑन नेशनल हाईवे। तो जहां जिन भी माइलस्टोन पर येलो ऊपर होगा, व्हाइट नीचे होगा, वो नेशनल हाईवे होंगे। उसके बाद स्टेट हाईवे जो होता है हमारा, उसमें क्या होगा, माइलस्टोन इन केस ऑफ स्टेट हाईवे आर पेंटेड इन ग्रीन टॉप एंड व्हाइट बेस,
उसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, टॉप तो उसका ग्रीन हो जाएगा और नीचे व्हाइट ही रहेगा, ये भी हमने अभी देखा। ये देखिए ये जो दिखाया हुआ है, ग्रीन इसका टॉप रहेगा और बाकी इसका व्हाइट रहेगा। तो ये है स्टेट हाईवे। उसके बाद है मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। हाँ एक चीज और इसमें बताना भूल गया मैं, जो इनकी विड्थ होती है वो कितनी होती है, 3.8 मीटर, 3.8 मीटर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की केस में, स्टेट हाईवे के केस में। एक लेन की आपने देखा होगा, लेन भी बहुत सारी होती है, जो लाइन होती है ना रोड की वो काफी सारी होती है, वो भी हम खैर आगे पढ़ेंगे, आ गया था बीच में तो मैंने बता दिया आपको। 3.75 होती है वैसे तो, इनको बोलते हैं हिंदी में मील का पत्थर और वैसे बोलते हैं क्या, माइलस्टोन। इसके बारे में थोड़ा आप खुद से देखना, मैप खोल के देखना, गूगल मैप वहां पर देखना, इन माइलस्टोन के बारे में देखना, ठीक है, थोड़ी रिसर्च खुद करोगे तो ज्यादा माइंड में रहता आपके। उसके बाद ये चैप्टर अपना यहीं तक था। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ाया इंट्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन, क्यों जरूरी है ट्रांसपोर्टेशन, एक एक सामान को छोटी इकाई से फिनिशिंग प्रोडक्ट तक लेके जाना, मतलब खेत से कोई चीज, एग्जांपल दे रहा हूँ, खेत से कोई चीज फैक्ट्री तक लेके जाना, वहां पर उसको बनाना, बनाने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट करना जहां पर जरूरत है। तो इन सभी कामों को, और ह्यूमन बींग्स को एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, इलाज कराना, जो भी कराना, अपनी जॉब पर जाना, तो सबके लिए ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। तो यही थी इसकी इम्पोर्टेंस। दूसरा, कितने टाइप के ट्रांसपोर्टेशन मेथड हैं वो भी हमने पढ़ा, रोडवे, एयरवे और वाटरवे। फिर हाईवे इंजीनियरिंग की डेफिनेशन पढ़ी हमने, इम्पोर्टेंस उसकी पढ़ ली, क्यों रोड सुपीरियर है अदर टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से, रोड ट्रांसपोर्टेशन क्यों सुपीरियर है, तो ये हमने यहाँ पर पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा कि इसकी हिस्ट्री कैसी रही है इंडिया में, तो हमने पढ़ा 1927 से लेकर, सर जी आवाज चलेगी तुम्हारी।